नमस्कार, इन खबरों में आप सभी का स्वागत है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसी के तहत आज उत्तर प्रदेश में दूसरे जबकि उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में होने वाला चुनाव मतदान शुरू हो गया है। तीनों ही राज्यों में आज कुल 165 सीटों पर मतदान होना है, जहां 1519 प्रत्याशियों के भाग्यों का फैसला होगा। तीन राज्यों की 165 सीटों पर वोटिंग। उत्तर प्रदेश दूसरा चरण 586 प्रत्याशी 55 विधानसभा सीट। उत्तराखंड पहला चरण 632 प्रत्याशी 70 विधानसभा सीट। मणिपुर पहला चरण 301 प्रत्याशी 40 विधानसभा सीट। यूपी में दूसरे चरण में आज कुल 2.2 मतदान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जबकि गोवा में 11 लाख तो वहीं उत्तराखंड में 81,83,922 लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधि को विजयी बनाएंगे। यूपी में आज मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर शामिल है। आज 55 सीटों के लिए होने वाली वोटिंग में से 25 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका रहने वाली है। वहीं 20 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटरों का प्रभाव 20-22% तक है। यूपी के इन सभी सीटों पर सपा RLD की स्थिति मजबूत मानी जाती है, क्योंकि पिछले साल खत्म हुए किसी आंदोलन के चलते कई किसान भाजपा की सरकार से नाराज है और इस बार का असर वोट बैंक पर देखने को मिल सकता है। दूसरे चरण के तहत यूपी में कुल 1.8 करोड़ पुरुष मतदान है, जबकि 0.94 करोड़ महिला और 1267 थर्ड जेंडर वोटर है। यूपी में 23,404 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत आज 55 सीटों के लिए कुल 23,404 मतदान केंद्र और 12,544 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतदान पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने 51 सामान्य अब्जर्वर, 9 पुलिस अब्जर्वर और 17 अन्य अब्जर्वर को तैनात किया है। चुनाव आयोग ने राज्य स्तर पर एक सीनियर नॉर्मल अब्जर्वर, एक सीनियर पुलिस अब्जर्वर और 2 सीनियर व्यय अब्जर्वर को भी तैनात किया है। ये लोग पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। वहीं वोटिंग अब्जर्व करने के लिए हर जिले के 50% पोलिंग बूथों पर लाइव वेब टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड चुनाव का इस बार दिलचस्प। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं। पिछली बार बीजेपी ने 58 सीटों पर अपना कब्जा किया था, जबकि 11 कांग्रेस और 2 सीटों पर निर्दलीय ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार यहां टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कई सीटों पर आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। इस चुनाव को युवा बनाम बुजुर्गों के रूप में भी देखा जा रहा है। 31 बीजेपी के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का राजनीतिक वजूद दांव पर लगा हुआ है। गोवा में कड़ी टक्कर। गोवा के 40 सीटों से पिछली बार 17 सीटें कांग्रेस जबकि 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसके बावजूद यहां बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। बीजेपी ने महाराष्ट्रवादी गोमांत पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी और 3 निर्दलीय समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सत्तरधारी दल बीजेपी को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों से कड़ी चुनौती मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर भी अपने पिता की परंपरागत प्रणाली विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।